his guest lectures. Okay, thank you. Thank you very much. I am not going to speak a lot in English because I like to deliver my lectures in Hindi. मेरी वो मातृभाषा है, तो एक जो मॉड्यूलेशन आता है तो मुझे बहुत पसंद है, सो मैं हिंदी में बात करूँगा. मैं बोईसर नाम के गांव से आया हूँ. पालघर तालुका था, अब डिस्ट्रिक्ट होने वाला है. तो पालघर तालुका में बोईसर नाम का एक गांव है, मैं वहाँ से आया हूँ. 2006 में मैंने मेरी 10th स्टैंडर्ड कम्प्लीट की. 21 मार्च 2006 को मेरी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई. तो तीन ही दिन हुए थे. तो और मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो घर पे ऐसी बात चली. मतलब देखो, जब वो सीन होता है तब घर पे सब बड़े आते हैं, ठीक है, सबको समझाने लगते हैं कि आगे की चीज़ें कैसे संभालनी है. तो घर वालों ने बोला कि गांव से आए थे सब, उन्होंने बोला कि अभी ऐसा है, तू बड़ा लड़का है ना, तो घर कौन चलाएगा, तो तुझे दुकान संभालनी चाहिए. तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो गया, मुझे पता था कोई है नहीं, मेरी मम्मी इलिटरेट है ना, दुकान वकान का काम उतना समझती नहीं थी. तो मैं बोला यार ठीक है, अभी हम दुकान ही करेंगे. तो 10th स्टैंडर्ड के मतलब वो जो 13वीं होती है, मतलब 13 दिन का एक शोक का पूरा पीरियड होता है, और 14वें दिन से मैंने दुकान खोलना चालू कर दिया. पूरा दुकान का एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ले लिया. 1.5-2 महीने तक मैंने दुकान पे जैसे एक नॉर्मली एक रिवाइव करने का एक एफर्ट लेते हैं, मैंने वो शुरू किया. फिर 1.5-2 महीने बाद जब भी हुआ, 10th का रिज़ल्ट आया, मुझे 89% थे. मैं अपने स्कूल में टॉपर था, मैं अपने गाँव में सेकेंड था. लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, जैसे अभी सिविल सर्विस से बात कर रहे हैं उस समय भी कर रहे थे. तो उस समय मैं जब सुबह 11 बजे रिजल्ट लगा, मैं स्कूल गया, रिजल्ट लेके आया और घर पे मैं एकदम शांत बेड पे आके बैठ गया, है ना. मतलब वो अंदर एक ये था कि यार हमसे लोग इतना मिलने आ रहे हैं, ठीक है, और आगे पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है. तो वो एक बहुत ही एक मुश्किल समय था. मेरी मम्मी आई बाजू में, मम्मी ने शायद, देखो माँ समझ जाती है ना. तो मम्मी आई बाजू में, मम्मी बैठी, मम्मी बोली कि क्या हो गया. तो आवाज़ शब्द तो नहीं निकले, आंसू निकल आए, ठीक है. तो मम्मी समझ गई. तो 1-2 दिन गए, एक इमोशनल सीन हुआ घर पे, ठीक है. सब बैठे आजू बाजू में, मेरी बहनें बैठी, हम 5 भाई बहन हैं, तो मेरे 4 भाई बहन, मम्मी और 1-2 रिलेटिव्स ऐसे सब बैठे और चर्चा ये होने लगी कि आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है. तो एक कंक्लूजन ऐसा निकला कि मेरी मम्मी ने बोला कि मैं दुकान चलाऊंगी. अब मेरी बड़ी बहन है, एक की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी, तो जिसकी शादी हो गई तो कुछ कर नहीं सकती थी. जिसकी शादी नहीं हुई थी उसने बोला मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी, मैं ट्यूशंस पढ़ाऊंगी. और मैं, मेरे चाल में एक भैया ट्यूशंस लेते थे, उन्होंने बोला मैं तेरे को जॉब दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले जो है 11th स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ पे तारापुर विद्या मंदिर नाम का एक कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया. अब बात यह है ना कि आजकल बिना पैसे के कहीं काम नहीं चलता. तारापुर विद्या मंदिर में एडमिशन लेने के लिए मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास 10 रुपये नहीं थे. 10,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है. तो मैं 50 रुपये का फॉर्म मिलता था, फॉर्म तो भर दिया था, मेरिट लिस्ट में मेरा पहली लिस्ट में नाम भी आ गया था, एडमिशन लेने जाना था. 12:30 बजे सेकंड लिस्ट बनाना शुरू कर रहे थे, मतलब जिसे फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया उसको एलिमिनेट करके सेकंड लिस्ट बनाना शुरू करने वाले थे. और 12 बजे दुकान पे मैं और मम्मी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि पैसे नहीं है, ठीक है. और मैं वापस से मूड तो वही था कि मतलब मम्मी ने बोला था मैं पढ़ाऊंगी, मैंने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं पढ़ने वाला हूँ. मैंने बोला ठीक है मम्मी जाने दो, एक साल क्या है, अगले साल से पढ़ाई करेंगे, दिक्कत क्या है. इतने में मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर मेरे दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने लड़के का एडमिशन करवाने आए थे. तो उन्होंने मुझे देखे और वहाँ पे उतर गए दुकान के सामने. और देखो भगवान अलग अलग तरीके से काम करता. दुकान पे उतरे, उन्होंने पूछा क्या हो गया वरुण. मैं बहुत टेंशन में था ना, मतलब ऑब्वियसली टेंशन में था, तो मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की. उन्होंने तुरंत मेरे जेब से 10,000 रुपये निकल के दिए, मुझे जाके वहाँ पे छोड़ा कॉलेज में. मैंने 12:30 बजे के बाद एडमिशन करवाया, सेकेंड लिस्ट बनना शुरू हो गई थी, लेकिन भगवान मिस्टीरियस वे में काम करता है. मैं 11-12 का मेरा शेड्यूल अगर मैं बताऊँ, मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं 7 बजे कॉलेज जाता था, मैं 1 बजे कॉलेज से आता था, खाना वाना खा के मैं 2 बजे ट्यूशंस पढ़ाने जाता था, 2 बजे से 9 बजे तक मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, 9 बजे मैं दुकान जाके दुकान का हिसाब किताब करके दुकान बंद करके मैं 10:30 बजे घर पर आता था, मैं खाना वाना खाता था, इसमें 11:30-11 बज जाते थे, 11:30 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठता था. मैं वापस से रात को 1-1.5 बजे तक पढ़ाई करता था और वापस सोता था, सुबह 6 बजे उठता था. मैंने इस तरह मेरे 11th और 12th निकाले. 11th और 12th में मेरी बहन, जैसे मैंने पहले बताया, ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था. जब मैंने 11th में 12th में एडमिशन लिया, चलो 10,000 रुपये भर दिए, 600 रुपये महीने की फ़ीस थी, ठीक है. और मैंने पहले दिन डिसीजन लिया कि मैं फ़ीस नहीं भरने वाला हूँ, ठीक है. मैं बोला कि हर सिचुएशन में, आप कितने भी मुश्किल सिचुएशन में हो गए,
हमेशा दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, जिनको आप कंट्रोल कर पाते हो, और दूसरे प्रकार की चीज़ होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना। तो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है आप उन चीज़ों को कंट्रोल करो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाती है। जब 11th में एडमिशन लिया तो मेरे कंट्रोल में खाली पढ़ाई करना था, पैसे कहाँ से आएंगे मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो मैंने बोला मैं पढ़ाई करूँगा। मैंने पहले दिन से, जब दोस्त लोग एक यूफोरिया होता है ना कि 11th में आ गए 12th में आ गए, एक मज़े का पीरियड होता है, ठीक है, शायद मैंने वो एंजॉय नहीं किया, मैं पहले दिन से पढ़ाई में लग गया। मैंने पढ़ाई की, क्लास में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता था टीचर से, क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, एक अल्टीरियर मोटिव था, है ना। मैं क्वेश्चंस पूछता था, डाउट्स पूछता था, मैं टीचर्स की नज़र में आना चाहता था। मैं टीचर्स की नज़र में आया, पहली एग्जाम हुई, रिजल्ट आया, मैं टॉपर था। फिर मेरा जो यूजुअल प्रोसीजर रहता, मैं पहले गया टीचर्स के पास, मैंने पूरा केस एक्सप्लेन किया, प्रिंसिपल के पास गया, पूरा केस एक्सप्लेन किया। मेरे दोनों साल की पूरी फीस मेरे टीचर्स ने भरी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी मैंने उन चीज़ों को कंट्रोल किया। मैं 12th के बाद अब ये हो गया कि अभी बोईसर के अंदर कुछ है नहीं, बीए करना है, बीकॉम करना है, उसके आगे कुछ है नहीं, और उस समय सिविल सर्विसेज करना है ऐसा मतलब आइडिया भी नहीं था, ठीक है। तो मैं बोला कि यार 12th के बाद क्या करना है, सब दोस्त लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, मैं बोला मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा, ठीक है, होता है ना दोस्त में डिसाइड कर लेते। तो सीईटी का एग्ज़ाम दिया मुझे, 179 आई सीईटी में। अब भाई इतने मार्क्स तो आ गए, अब एडमिशन लेना पैसे चाहिए, एमआईटी का चलो कुछ भी है, फीस तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो उस समय कुछ, मैं जब पहली बार आ रहा था पुणे, तब 70,000 रुपये कुछ फीस थी, और आओगे रहने का डिपॉजिट चाहिए, मेस के लिए पैसे चाहिए, पूरा खर्चा मिला के कुछ 1-1.5 लाख रुपए के आसपास उस समय आंकड़ा बैठ रहा था कि 1 लाख रुपए लेके आना है। अब पैसे भैया मेरी मम्मी ने 2 साल में जमा तो किए थे, मेरी मम्मी रोज़ 100 रुपये जमा करती थी, मम्मी के पास 60-80 हज़ार रुपये थे, मेरी बहन जॉब करती थी उसके पास 10-15 हज़ार रुपये थे, मैं खुद जॉब करता था उसका थोड़े बहुत पैसे जमा थे, और बाकी जो पैसे थे वो दूसरों ने हेल्प कर दिया। फर्स्ट ईयर का फीस तो भर गया, अब ये पता था कि सेकेंड ईयर का फीस भरने नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सेम वही मैं बोला कि यार सेकेंड ईयर का फीस ही नहीं भरना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी शुरू की। अब यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ बताने वाला, लोग डराते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी शुरू करोगे ना लोग डराने लगते हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे लोग बोलते थे यार बिना एटीकेटी के तो इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती, है ना, एटीकेटी तो लगेगी ही, ठीक है। वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर तो यार कोई पास हो ही नहीं सकता बिना क्लासेस लगाए, ठीक है, बिना क्लासेस लगाए कोई पास नहीं हो सकता। अगर नहीं लगाया क्लासेस तो पहली बार तो पास नहीं होगा, दूसरी बार देगा तो पास हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 अटैम्प्ट में पास हो जाते, पहले अटैम्प्ट में तो बैकलॉग लगता ही है, ठीक है। मैं बोला यार क्लासेस लगाने में पैसे तो है नहीं, और ठीक है यार केटी लगेगी, ठीक है, देख लिया जाएगा, दूसरे बार में निकालेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम की तैयारी शुरू की, लोग बोलते थे आके, मैं बोलता था यार अपने कंट्रोल में वो चीज़ें हैं ही नहीं, मेरे को पढ़ाई पे ध्यान देना, मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, बाकी जो होगा चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया, मुझे 86% था, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आइसोमेट्रिक जो डिज़ाइन होती है ना, उसमें मैं रेक्टेंगल की जगह सर्कल बना के आया था, ठीक है। सो 20 मार्क्स मेरे गलत थे, मुझे 80 मार्क्स मिले ग्राफिक्स में, ठीक है। जो लोग मुझे क्लासेस का डर दिखाते थे, जो लोग मुझे बोलते थे कि बिना एटीकेट के पास नहीं होंगे, वो ग्राफिक्स में 40 मार्क्स 50 मार्क्स 55 मार्क्स लेके बैठे थे, ठीक है। मैं उसी समय सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला, वो लोग मार्क्स क्लासेस में ढूंढ रहे थे और मैंने मेरी सेल्फ स्टडी में मार्क्स ढूंढे, ठीक है। सिमिलरली यूपीएससी का भी है, यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम है, 3 लाख लोग एग्जाम देंगे, 3 लाख लोग प्रीलिम्स देंगे, 16,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर होंगे, 16,000 लोग मेंस देंगे, उसमें से 3,000 लोग मेंस क्लियर होंगे, वो लोग इंटरव्यू देंगे, उसमें से 1,000 लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा, 0.3% सिलेक्शन रेट है, ठीक है। इसके अंदर खाली 80 या 90 लोगों को जनरल कैटेगरी वालों को आईएएस मिलेगा, ठीक है, तो कितना कम ये है। सो जब मैंने तैयारी शुरू की ना, तब मुझे ऐसे लोग बोलते थे कि अरे यार तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो लोग बोलते थे यार तेरा तो इतना अच्छा करियर बना हुआ है, तू आगे कहीं पर भी जॉब ले लेगा, सिविल सर्विसेज मतलब इतना रिस्क काहे को। अब लोग डराते हैं, ठीक है, लोग आके डराते हैं, तब वो यही बताते हैं यार 3 लाख में से 80 सीट्स आएंगी, क्या करना है। तो मैं बोलता था यार 80 सीट्स आती हैं, मुझे तो एक ही चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन सबके हाथ में आती है, आप उसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब तैयारी शुरू करनी थी, तब मुझे कुछ लोग गेट की तैयारी शुरू करे थे,
गेट पता है बी के बाद दी जाती है। गेट के लिए ज़्यादा कोई मुझे आके टोकता नहीं था कि तेरा नहीं आएगा, सबको पता था मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, सबको लगता था मैं गेट में टॉप करूँगा, वो तो हुआ नहीं है ना। मैंने गेट दिया तो मेरा रैंक 143 आया, लेकिन मैंने उसके आगे कुछ किया नहीं। जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करने लगे तब लोग बोलते थे यार देख इसमें आईआईटी वाले बैठेंगे, इसमें आईआईएम वाले बैठेंगे, ऐसे लोग बैठेंगे जिन्होंने सिविल सर्विसेज करना है इसलिए बीए किया, ठीक है, तो उन्होंने पूरे 3-4 साल 5 साल तैयारी किया। इस मैं ये बताऊँ इससे पहले मुझे बताना चाहिए कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी क्यों करना शुरू किया। अब अगस्त 2011 में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू हुआ और वो एक ऐसा पीरियड था, बहुत जुनून था लोगों में, है ना। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग क्या टुकार लोग होते, पढ़ाई तो करते नहीं इंजीनियर्स, ठीक है, टाइम पास ही करते रहते हैं। तो सब दोस्त लोग टाइम पास करते करते यही डिस्कशन होता था यार अन्ना हजारे कर रहे सही कर रहे हैं क्या, है ना, इससे कुछ होगा क्या, ठीक है। अन्ना हजारे बार बार बोलते थे यार यंग लोग को आगे आना पड़ेगा, है ना, तो हमारी वही डिस्कशन चलती थी कि यार हम ही यंग लोग हैं, दूसरे तो है नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो कुछ डिसीजन हुआ कि प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ ऐसा जो अपनी कंट्री को हेल्प करेगा, यार प्रोजेक्ट तो बना नहीं, ठीक है, हमने बनाने की कोशिश बड़ी की लेकिन बना नहीं। तब हम में से कुछ लोगों का ऐसा डिस्कशन होने लगा यार कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, एक काम करते हैं। पहले हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर तो जाना नहीं है, बोला कि पब्लिक सेक्टर जाएंगे, ठीक है, मतलब ओएनजीसी वगैरह में, बीएचईएल वगैरह में कहीं जो जॉब करेंगे वो कंट्री के लिए काम होगा। तो गेट वगैरह उसके हिसाब से दी थी, आईआईटीज के हिसाब से नहीं दी थी। तो गेट में रैंक आ गया तो लोग मिलने आते हैं, ठीक है, लोग ने बोला यार तू तो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है, तू गेट क्यों दे रहा है, तू तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे, तेरा टेक्निकल अच्छा है, तेरा हो जाएगा। मैंने बोला हाँ यार ठीक है, सिलेबस देखा, मैंने बोला यार ये ठीक है, सिलेबस अपने पल्ले पड़ेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज से एग्जाम देते। तैयारी शुरू की, मेरा बी खत्म हो गया था, मेरी जॉइनिंग डेलॉइट में प्लेसमेंट हुई थी, मेरी जॉइनिंग जनवरी में थी। तो पहले 3-4 महीने मैंने बोला यार इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करेंगे, तैयारी शुरू की 3-4 महीने, लोगों से मिलते रहते था, तो लोग और मिलने आए, उन्होंने बोला यार तू तो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है ना, तो तू इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी क्यों कर रहा है, तू सिविल सर्विस की तैयारी कर। मैंने सिविल सर्विस से देखा, सोचा यार ये तो बड़ी पावरफुल पोजीशन है ना, सारे सर्विसेज कंट्रोल करेगा, है ना, तो क्या टेंशन है, तब तो सिविल सर्विस की तैयारी करते। अब ये जो पीरियड है अब तक दिसंबर 2012 आ चुका था, ठीक है, दिसंबर 2012, और मेरे घर की कंडीशंस थोड़ी वीक है फाइनेंशियली, तो एक अच्छा खासा जॉब मिल चुका था। इसके बाद मैं मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी मैं जॉब नहीं करूँगा और मैं एक साल और बर्बाद करने वाला हूँ, मम्मी के लिए बर्बाद था, ठीक है, तो मैं एक साल और बर्बाद करने वाला हूँ। अब मेरी मम्मी यहाँ पे गुस्सा हो चुकी थी, मम्मी ने बहुत देख लिया था, 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आपको आइडिया नहीं है मेरी मम्मी ने क्या क्या किया। तो मेरी मम्मी थोड़ी नाराज़ हो गई, तो शुरू के 10-15 दिन तो नाराज़ी रहती है, मम्मी अच्छे से बातचीत करती थी, लेकिन माँ बेटा का रिश्ता ऐसा होता है कि आप समझ जाता हो कि मम्मी आपसे नाराज़ है। लेकिन 7 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी और 7 जनवरी की डेट जा चुकी थी, ठीक है, और तो अब मम्मी भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो अब मम्मी ने भी मेरे को फुल सपोर्ट किया। उसके बाद जनवरी 2013 हो चुका था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने बोला मई 2013 में एग्ज़ाम देना है, ठीक है, 4-5 महीने का समय था। अब यहाँ पे लोग डराने लगते हैं, ठीक है, कि यार तेरे पास टाइम भी कम है, सिलेक्शंस भी कम होते हैं, तू करेगा कैसे, है ना। मैंने हमेशा माना है कि जब तुम ऐसे सोचते हो ना कि आईआईटी वाला है या आईआईएम वाला है, तुम क्या करते हो, तुम उसको ग्रुप करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास में डाल देते हो, यार ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, ठीक है, और हम इनसे कम है, सब स्टैंडर्ड लोग हैं, ठीक है। जिस दिन आप कुछ लोग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी और खुद को सब स्टैंडर्ड बोलते हो, उस दिन आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। कंपटीशन हमेशा इक्वल्स में होता है, ठीक है, कंपटीशन हमेशा इक्वल्स में होता है। तो मैंने जब ये ऐसा लोग बोलते थे ना कि वो 30 मार खान है, मैं बोलता था मैं भी 30 मार खान हूँ, देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप अगर खुद को अंदर एग्जाम के अंदर एक कम समझ के जा रहे हो, है ना, कि यार मेरे से कैसे होगा, ठीक है हम ट्राई करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएंगे शायद, लेकिन वो जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, अब ऑल इंडिया रैंक को जनरल स्टडीज में मुझसे कम है, ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 32 कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जो जिसको ऑल इंडिया रैंक 728 है ना, उसको जीएस में मुझसे ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्क्स जो है कुछ नहीं बताते और रैंक भी कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो अगर खुद को आप कम समझ के अंदर आ रहे हो ना, तो आप पहले ही हार जाए। तो मैंने बोला यार ठीक है, 4 महीने का टाइम है, कुछ तो कर नहीं सकते और खुद को कम समझना नहीं है, 4 महीने में करना है तो करना है, लेकिन पढ़ाई क्या करनी ये भी पता नहीं था, है ना। तो ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त है भूषण कांबड़े नाम का, वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। जून 2012 में उसने इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी, उसने यहाँ पे चाणक्य मंडल में कोचिंग लगा ली थी। अब मम्मी तो मेरे से ऐसी गुस्सा थी, फीस मांगता तो और चढ़ जाती, है ना, तो अपना ऐसा था कि यार कोचिंग तो चाहिए,
लेकिन फीस नहीं भर सकते, ठीक है। तो मैं भूषण से ऐसे हमारी बातचीत चलती रहती थी, तो उसने बोला कि धर्माधिकारी सर काफ़ी अच्छे हैं, उस समय अपना CST नहीं था, तो मेरे को MIT में फ्रीशिप मिली हुई थी, MIT में फ्रीशिप मिली हुई थी मुझे, ठीक है। तो अगर शायद मैं मांगता मेरे को CST में फ्रीशिप मिल जाती उस समय, लेकिन था नहीं, ठीक है। तो उसने बोला यार धर्माधिकारी सर काफ़ी अच्छे हैं, अगर तू बात करेगा ना तो हो सकता है कुछ। तो मैंने एप्लीकेशन दिया, मैंने सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने क्रेडिट्स वगैरह अटैच किए थे कि मेरे को तैयारी करनी है, और मैंने सर को शायद खाली अश्योर किया था अपने इसमें कि सर आप मुझे एडमिशन दीजिए, मैं क्लियर कर जाऊँगा, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली पहले ही उनको बोल के गया था सर मैं क्लियर कर जाऊँगा, तो शायद मेरा मुझे पता नहीं कि क्यों, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, इंटरव्यू होता है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट हुआ था लेकिन वो कैसे हुआ था मुझे पता है, मैं पास, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। और मैंने पूरा प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का पूरा तैयारी बिना एक रुपया पे किया है, ठीक है। मैंने एक रुपया नहीं भरा मेरी तैयारी के लिए। उसके बाद दिसंबर में मेंस के बाद मुझे बल्कि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई, 15,000 रुपये पर महीना वो मुझे पे कर रहे हैं, ठीक है। अगेन जो चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो उन चीज़ों को कंट्रोल करो, ठीक है। तो जनवरी 2013 में डिसीजन लिया कि अब सिविल सर्विस तैयारी करनी है, चाणक्य मंडल में अप्लाई किया, फरवरी में मेरा एडमिशन हो गया, फरवरी में एडमिशन हो गया। अब तैयारी शुरू की। अब सबसे पहला जो मैंने काम किया था वो था क्वेश्चन पेपर्स देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर्स UPSC के उठा के देखे, तो मैंने उसमें देखा कि CSAT पोर्शन अपना ठीक है। CSAT मैंने जब पहली बार उठाया तब मेरा 120-125 आ रहा था, मैं बोला कि यार इसमें अपन थोड़ा वर्कआउट करेंगे। तो मेरे मार्क्स पता है आपको प्रीलिम्स के, मुझे CSAT में 187 मिला है 200 में से, और मेरे को GS में 121 मिला है, मेरा टोटल 307 है। तो मैंने पहली बार जब CSAT उठाया मुझे तभी आ रहा था कि यार 120-125 जो है इसमें आ जाएंगे, और उस समय कट ऑफ जो है 210-220 के आसपास चलता था, है ना। तो मैंने बोला यार ठीक है 120 तो हो गया, 90 के लिए काम करना है। कट ऑफ बाद में ऊपर गया, ठीक है, सो पूरा सुन लो पहले, 90 के लिए काम करना है। तो GS का पेपर उठाया, उसमें देखा कि करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर आपको जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं भी लग रहा है, जैसे कंट्रोलर एंड CAG का उस समय क्वेश्चन आया था, तो मेरे को अभी कल परसों में एक बंदा आया था, वो बोल रहा था कि यार यार वो तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कैसे, उस समय कोल घोटाला, 2G घोटाला ये सब आया था, 2G स्कैम वगैरह, तो CAG ने बाहर लाया था, तो CAG भी डिस्कशन में था। तो जो टॉपिक्स पॉलिटी के, मतलब एनवायरनमेंट के, जो आपको रेलेवेंट नहीं लगते करंट अफेयर्स से कैसे आ रहे हैं, वो भी एक्चुअली करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पेपर जब पहली बार उठाया तो मैंने देखा यार करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टाइम बहुत कम था, तो मैंने बोला हम करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पहले थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर जो है जून जुलाई से ही पढ़ रहा था, तो अपने पास उसके नोट्स ठीक ठाक थे। नोट्स मेकिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया शुरू से, मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद जब ट्यूशंस पढ़ाता था तो बच्चों को देने के लिए नोट्स निकालता था, ठीक है। नोट्स बनाने से 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी रिविजन करना होता है तो आपके पास एक कंसाइज डॉक्यूमेंट रेडी होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपकी इंग्लिश ख़राब है, आप फुल सेंटेंसेस में नोट्स निकालते हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश ख़राब है तो आप द की जगह अ यूज़ करते हो, अ की जगह एन यूज़ करते हो, एन की जगह द यूज़ करते हो, ठीक है, और आप पैरेलली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो जिसमें एक अच्छी इंग्लिश यूज़ होती है, ठीक है। तो आप जब रिविजन करोगे ना आप, तो आपको एक हैबिट हो जाती है यार ये क्या लिख के रखा है मैंने, है ना, ये क्या इंग्लिश है। तो आप सेल्फ करेक्शन से सीखते हो कि यार यहाँ पे द की जगह अ यूज़ होना चाहिए, ठीक है। रेनन मार्टिन पढ़ना चाहिए सब बोलते हैं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला था रेनन मार्टिन पढ़ने का, तो मैंने इस तरह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव की थी। सेल्फ करेक्शन से जो आप सीखोगे वो आपको 50 लेक्चर्स में सीखने को नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हो। तीसरी चीज़ है कि आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होती है। मेरी जो पहले हैंडराइटिंग थी ना वो KG के बच्चे जैसे होता है ना, T अलग, H अलग, E अलग, ठीक है, इस तरह की मेरी हैंडराइटिंग थी, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। जब आप नोट्स निकालने लगोगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 2 घंटा लगता है, न्यूज़पेपर के नोट्स निकालने के लिए 2 घंटा लगता है, पेपर पढ़ने के लिए मेरे को शुरू शुरू में 8 घंटे लगते थे, ठीक है। तो मैं तो हम कॉन्शियसली सोचने लगते हैं यार इतना टाइम नहीं चलेगा, है ना, आपको टाइम को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो आप 2 चीज़ों पर फोकस करते हो, आप तो एक रीडिंग अपनी इंक्रीज करने को ट्राई करते हो कि आप पर्पसफुली कोशिश करते हो यार ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ हटा, ठीक है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसको ज़्यादा नोट्स निकालने चाहिए, इसका नोट्स नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप पर्पसफुली रीडिंग स्पीड इंक्रीज करते हो,
और दूसरा वो जो मेरी कैरेक्टर्स टी एच ई थे ना, मैंने कर्सिव हैंड राइटिंग कभी सीखी नहीं। अब टी लिखने के बाद आप हाथ उठाते हो, दूसरी जगह रखते हो, वापस से खींचते हो, हाथ उठाते हो, रखते हो, आपको अपने ब्रेन का रिस्पॉन्स टाइम पता है 100 मिलीसेकंड। ठीक है, ब्रेन को पता चलता है कि लिख के हो गया है, वो आंसर करता है कि हाथ उठाओ, हाथ उठाते हो, हाथ रखते हो, वापस बोलता है ब्रेन कि हाथ रख दिया है, एच लिखना चालू करो। ठीक है, उस प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर तक माइग्रेट करने के लिए आपको 1 सेकंड से ज़्यादा लग जाते हैं। तो एक लाइन में अगर 30 कैरेक्टर होंगे तो एक लाइन में आपके 30 सेकंड ज़्यादा वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरी हैंडराइटिंग जो है कर्सिव हो गई, मेरे हाथ उठना ही बंद हो गए। ठीक है, दो कैरेक्टर्स को छोड़ो, दो वर्ड्स कभी कभी ज्वाइन हो जाते थे। ठीक है, तो तीसरा फायदा ये है कि आप जब नोट्स बहुत ज़्यादा निकालते रहोगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सबकॉन्शियस लेवल पे आप चीज़ों को फास्ट लिखने को ट्राई करते हो, आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये तीन तो हो गए, मेरे हिसाब से चौथा चीज़ और जो चौथा टॉपिक है वो और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, सपोज आपने पूरा आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, शुरू शुरू में अपनी टेंडेंसी होती है ना, हमको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है ना, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं होता। ठीक है, हमको ये पता नहीं होता कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल में कहीं पर फंडामेंटल राइट कुछ लिखा होगा तो हम वो भी नोट्स में लिखते हैं। अगर हमको ये पता नहीं होता कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है तो हम वो भी नोट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू शुरू में अपने नोट्स बहुत बड़े बनते हैं, इसलिए हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप नोट्स बनाते जाओगे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी कि यार ये फंडामेंटल राइट इतने बार पढ़ा है ना कि अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा रिपीट होती है कि आपको इंपॉर्टेंट लगना बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार ये चीज़ इतना रिपीट हुई है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पूछेगी कि नहीं। ठीक है, तो आप कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को लिखना है, कौन सी चीज़ों को नहीं लिखना है, आप ये सीखने लगते हो। ठीक है, एक स्टेज ऐसा आता है आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हो और आप सोचते हो कि इस पूरे आर्टिकल को मिनिमम टाइम में लिखना है, तो इसमें से कौन से 4 पॉइंट्स है जो मैं लिख दूँ तो मेरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका यूपीएससी एग्जाम में बहुत फायदा होता है। मेरा अभी जब मैं यूपीएससी का पेपर लिख रहा था तो GS1 का पेपर सडनली सामने आया है ना, 25 क्वेश्चंस, पहले ऑप्शंस होते थे, 5000 वर्ड्स लिखने थे, GS1 में पैनिक हो गया। ठीक है, मैंने खाली 125 का अटेम्प्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के रखते कि आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है, बीच का एक बॉडी लिखना है, एक कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर में बना के गया था, लेकिन GS1 में उस स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, मेरा आधा पेपर छूट गया। ठीक है, मैं टेंशन में आ गया, GS1 का पेपर लिख के बाहर निकला, मेरे साथ हमारे चाणक्य के 3-4 भैया लोग थे, ऋषिकेश भैया वगैरह, वो भी क्वालिफाई हुए हैं, मैं उनके साथ डिस्कशन करने लगा। मैं खाना नहीं खाया दोपहर का, मैं बोला भैया मम्मी ने 21 साल का टाइम दिया है ना, GS1 आधा रह गया। तो जब GS2 का पेपर लिखने आया था तब मैं सोच के आया था स्ट्रक्चर गया भाड़ में। ठीक है, मैं जैसे न्यूज़पेपर के नोट्स निकालता था, जो 4 पॉइंट्स उसमें जो नॉर्मली आते हैं ना, है ना, जो नॉर्मली आता है मैं लिखूंगा ही नहीं, यानी लोगों को पता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो मैं लिखता है वो स्टेटमेंट ही एलिमिनेट कर देता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट है, मैं सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये फायदा है ऐसा लिखना शुरू कर दिया। तो जैसे मैं न्यूज़पेपर्स में लिखता था, ठीक है, नोट्स, वैसे मैंने एग्जाम में लिखे। ठीक है, और जो आपका पेपर चेक करता है, मेरा ऐसा मानना है, मैंने मेरा मार्क्स कैसे मिले मुझे देखा नहीं, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है ना उसको मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दिया तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के बोर हो गया होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ के वैसे मार्क्स ज़्यादा मिले होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वो जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना, ठीक है, मैंने उन चीज़ों वो चीज़ें इंक्लूड की थी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल चीज़ों की वहाँ पे इंक्लूड की थी। अब तुम प्रेसिडेंट के पावर्स अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, कि उसको पता है, आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो, कुछ चीज़ें एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप सीख जाओगे। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आप जब 3-4 महीना तैयारी करोगे ना, आप सीख जाते हो कौन सी चीज़ों को रखना चाहिए। तो मैंने इस तरह का पेपर लिख के कंप्लीट किया, और ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं नोट्स मेकिंग की हैबिट थी, मुझे पता था कि चीज़ों को मिनिमम वर्ड्स में कैसे लिखना चाहिए। फिर एक बात होती है कि आपके आंसर्स को अलग बनाना होता है। देखो, यूपीएससी में मेंस में जब ये इंजीनियरिंग में भी हम फॉलो करते थे, ठीक है, कि आपका जो पेपर चेक करने वाला है वो 100 पेपर चेक करेगा। ठीक है, और एक आईसी इंजन कैसे वर्क करता है, सारे के सारे लोग सेम आंसर लिखेंगे, चार स्ट्रोक्स होते हैं, है ना, इनपुट आउटपुट सब वही लिखने वाले, तो वो सेम आंसर पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है ना कि इसने भी यही लिखा है। तो एक स्टेज के बाद क्या होता है, वो चीज़ों को स्किप मारने लगता है, वो देखता है 4 पॉइंट्स हैं तो आपका मैटर नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उसको पता है सबने सेम लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप तो आपको क्या होता है, अगर आपने बहुत अच्छा आंसर भी लिखा होता है तो वो पढ़ता ही नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो मेरा पहला ही था कि मैं हमेशा शुरू से 10th स्टैंडर्ड से लेकर आज तक मैं हमेशा अपने आंसर्स को अलग बनाना चाहता था। तो मैं इंजीनियरिंग में भी कुछ तो फूल वूल नहीं निकाले,
लेकिन कुछ तो भी अलग करता था हमेशा अपने इसमें, तो मैं यूपीएससी में भी वो डिसीजन लेके बैठा था कि यूपीएससी में जैसे सब आंसर लिखते हैं ना मैं वैसा नहीं लिखूंगा। मैंने एक नोटबुक बनाई थी, ठीक है, मैं उस नोटबुक में मैंने दो सेक्शंस किए थे। एक सेक्शन में मैं सारे कोटेशंस लिखता था, यानी जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो उसमें कभी कभी आता है ना नीचे टैगलाइन आती है ना कुछ, तो एक थॉट फॉर द डे। आप जब आर्टिकल पढ़ते रहोगे तो उसमें कोई ना कोई एक थिंकर को कोट किया रहता है, तो ऐसे जो कोटेशंस होते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं कोई तो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसके अंदर करप्शन का उन्होंने इक्वेशन दिया हुआ था, डिस्क्रीशन प्लस अथॉरिटी माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू करप्शन, ठीक है। अब सपोज करप्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, करप्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए अकाउंटेबल सिचुएशन होनी चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन, ये आंसर सब लिखने वाले, ठीक है। आपने वो इक्वेशन लिखा ना तो नज़र पड़ते ही वो इक्वेशन अलग दिखता है, आपका एक अलग नज़रिए से पेपर चेक होना शुरू होता है, ठीक है। सो मैं एक सेक्शन में सारे कोटेशंस लिखता था, मैं दूसरे सेक्शन में सारे एग्जाम्पल्स लिखता था। जैसे मेरे को एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने मेरे इंटरव्यूज में बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ अभी तक। एक बीच में एक बार न्यूज़पेपर में आया था कि बनारस में एक बंदा रोज सुबह टेम्पो लेके निकलता था, ठीक है, और जितने भी मंदिर है बनारस में हर जगह जाके वहाँ पे जो भी हार फूल दिन भर चढ़ा होता था ना उसको टेम्पो में भर के लेके जाता था, उसको ले जाके वो कंपोस्ट मैन्योर बनाता था। ये कंपोस्ट मैन्योर उसके बाद में ये किसानों को बांटता था ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए, और उसको बोलता था ब्लेस्ड बाय गॉड मैन्योर है ना। तो इसके लिए लोग जो है, जो फार्मर्स होते हैं जो जल्दी माइग्रेट नहीं होते है ना टेक्नोलॉजीज को, वो क्योंकि ब्लेस्ड बाय गॉड है इसके लिए जल्दी से माइग्रेट हो जाते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को उस एरिया में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गया था, ठीक है। वो सेम कचरा अगर वो वहाँ पे नहीं जाता तो वो पानी के अंदर जाता है गंगा रिवर में, तो गंगा रिवर में जो पोल्यूशन हो रहा था वो कम हो गया, ठीक है। एक नया एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट हुआ क्योंकि कंपोस्ट मैन्योर में। तो मैं क्या करता था, ऐसी जो एग्जांपल्स है ना उनको सेकंड सेक्शन में लिख के मुझे क्या लगता है मैं उसको कहाँ कहाँ यूज़ करूँगा, मैं उसको रिवर क्लीनिंग में एग्जाम्पल में यूज़ करूँगा, मैं उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के एग्जाम्पल में यूज़ करूँगा, मैं उसको एक्स वाई जेड चीज़ों में यूज़ करूँगा, मैं उसके टॉप कॉर्नर पर ही लिख के रखता था। ऐसे वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, साइंस एंड टेक के ऊपर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं एक सेकंड सेक्शन में मैं सब कुछ करके रखता था। एग्जाम के पहले आप क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा यूपीएससी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस1 में देखो 10 सब्जेक्ट्स है ना, आप किसका रिवीजन लेके बैठोगे लास्ट के आधे घंटे में, है ना। तो मैं इसका रिवीजन लेके बैठता था, मैं सारे एग्जाम्पल्स देखता था कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखे हुए है ना। और एग्जाम में एक, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था कि पीएम की पोजीशन कोलिशन पॉलिटिक्स में वीक होती जा रही है, ठीक है, कमेंट। तो मैंने उसका शुरुआत ऐसे किया था कि महाराष्ट्र में उस समय पृथ्वीराज चौहान और अजित पवार के बीच में बहुत झगड़ा चालू था, इरीगेशन स्कैम तभी हुआ था। तो मैंने आंसर ऐसे शुरुआत किया, बिकॉज ऑफ सम रीजंस सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट एबल टू एक्ट, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बता रहा, मैंने एक एग्जाम्पल से शुरुआत की थी है ना, कि दिस इंडिकेट्स। अब क्या होता है, जो चेक करने वाला होता है ना उसको चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। तो अगर तुम उसको हर एक पॉइंट बताने को ट्राई करोगे ना तुम्हारा आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल बताया तो मैंने सबकॉन्शियस लेवल पे उसको बता दिया मेरे को सारी चीज़ आती है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी नहीं थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने एग्जाम्पल कोट किया मैंने उसको बता दिया मुझे चीज़ें पता है। तो मैंने क्या, मेरा टाइम भी सेव किया और उसका जो दिमाग गर्म हो रहा था मैंने वो भी सेव कर लिया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल्स का भरपूर यूज़ किया। जब ऐसे लिखना होता था है ना, तो मैं क्या करता, मैं एग्जाम्पल्स जब ये करता रहता था, तो अभी एग्जाम में वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई ऐसे नहीं आया, मैं वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा ऐसे प्रिपेयर करके रखा था, तुम जो प्रिपेयर करते हो यूपीएससी में आता नहीं, जनरली ऐसा होता है। तो मैंने वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने बहुत अच्छा ऐसे प्रिपेयर करके रखा था मैं कैसे लिखूंगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती थी, मैं ऐसे के एग्जाम के पहले वो एग्जाम्पल्स लेकर बैठता था और हर टॉपिक के मैं 7-8 एग्जाम्पल ऐसा मार्क करके लेता था कि देखो ये जो है ना ये क्वालिटी दिखाता है ये एग्जाम्पल। जैसे वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि वेमेन फॉर्म 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, do 70% of the work hours, earn 10% of the salary and own 1% of the property. अब ये जो एक स्टेटमेंट है ये पूरी चीज़ को समराइज कर देता है, ठीक है। अब मैं अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये एक स्टेटमेंट मैंने एग्जाम में लिखा तो उसके बाद में 50% ऑफ पॉपुलेशन पे 50 वर्ड्स लिखता था, ठीक है, फिर मैं 70% ऑफ वर्क आवर्स पे 50 वर्ड्स लिखता था, ठीक है, फिर मैं 10% ऑफ सैलरी पे 50 वर्ड्स, तो ऐसे हर एक एग्जाम्पल के ऊपर मैं 200 वर्ड्स लिखता था। ऐसे 8 एग्जाम्पल्स अगर मैंने सेलेक्ट किया तो 1600 वर्ड्स ऐसे ही हो जाते थे, है ना। तो जब लोग बीच में बैठ के फायरिंग करते रहते थे ना यार क्या लिखना है क्या लिखना है, तब मेरे को मेरे 8 एग्जांपल्स याद है, मैं उन 8 एग्जांपल्स के ऊपर लिखता था। तो मैंने 8 पॉइंट्स बताए, वो 8 पॉइंट्स मतलब उसके अंदर भी सब पॉइंट्स होते, तो मैं एक 8 मेजर इशूज़ पर डिस्कशन कर रहा होता था, तो मेरे इसमें पॉइंट्स भी होते थे, मेरे को प्रेशर भी नहीं आता था और मैं मैक्सिमम मेरा आउटपुट जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन में दे पाता था रैदर दैन सोचने पे, ठीक है। सो इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है जनवरी से शुरुआत की, सारी चीज़ें क्लियर थी, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार कोचिंग क्लासेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं,
अभी जब अभी मुझे फोन आते हैं ना तो पूछते हैं कि कोचिंग क्लासेस ज़रूरी है क्या, बिना उसके तैयारी नहीं हो सकती क्या। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मेरे पापा ने बैंक से लोन ले रखा था, ठीक है, 3-4 लाख रुपए का लोन था। उसके लिए मेरा घर और मेरी दुकान दोनों गिरवी थी। तो जब मेरे पापा चले गए 3-4 महीने बाद वो बैंक वाले घर पे आए, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, नाउ द जो जिन्होंने लोन लिया है वो तो नहीं रहे हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी हम सील करने वाले, ठीक है। तो घर दुकान दोनों जाने वाला था। अब उस सिचुएशन में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेरा दिमाग आउट हो गया, ठीक है। तो सारे रिलेटिव्स के पास भागा दौड़ी की, ठीक है, कोई कुछ हेल्प नहीं करता था। सारे रिलेटिव्स कैसे होते, जब आप वीक होते हो ना तब हर जगह से वीक होते हो, और आज जब मैं स्ट्रांग हूँ मैं हर तरीके से स्ट्रांग हूँ। तो उस समय ऐसा था कि कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो बोईसर से लेकर थाने से लेकर मुंबई से लेकर हर जगह की भागीदौड़ी मैंने खुद ही की है, और मैं बहुत जल्दी सीख गया था लाइफ में कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है क्या, मैं इतना घंटा पढ़ाई करूंगा तो ज़रूरत है क्या, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके बोलोगे कि मैं इस चीज़ पर डिपेंडेंट हूँ और तब मैं पास होऊंगा, नहीं होने वाला है। बाहर मैंने पहले बोला कि सक्सेस रेट बहुत कम है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोग प्रीलिम्स पास हो जाते हैं ना, आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे यार प्रीलिम्स तो लोग पास हो जाते हैं, जो लोग मेंस इजीली पास हो जाते हैं 2-3 बार क्लियर कर लेते हैं उनसे आप बात करोगे बोले यार मेंस भी क्लियर हो जाते हैं। जो लोग पूरा पास हो जाते हैं ना वो बोलते हैं कि यार एग्जाम ईजी है। मैं बोलता हूँ एग्जाम ईजी है क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया है। बाहर एक डर का एटमोसफियर बना रखा है ना। जो लोग पास नहीं होते वो अपने फेलियर के रीजन ढूंढते हैं, ठीक है, मैंने 12 घंटा पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया, मैंने ये कोचिंग क्लासेस लगाया मैंने ये कोचिंग क्लासेस नहीं लगाया इसलिए मैं फेल हो गया, मैंने ये बुक पढ़ी मैंने ये बुक नहीं पढ़ा इसलिए मैं फेल हो गया, मैंने ये वेबसाइट नहीं रेफर की मैंने ये, समझ गया ना, अपने फेलियर के रीजन ढूंढते हैं। और ऑब्वियसली बाहर अनसक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा है क्योंकि 0.3% सेलेक्शन रेट है, ठीक है। आप अगर 100 लोगों से बात करोगे चांसेस है कि 100 के 100 कभी पास नहीं हुए, ठीक है, और ये ऐसे रीजंस आपको सब सुनाते हैं। तो अपने दिमाग में भी एक चीज़ बढ़ जाती है, यार 12 घंटे पढ़ाई मुझसे कैसे होगा, है ना, कैसे होगा ये कोचिंग, वजीराम रवि तो हम यहाँ से जा नहीं सकते, है ना, वहाँ पे सिस्टम ही अलग है, कैसे होगा, ठीक है। कुछ नहीं होता, आप तैयारी शुरू करो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में खाली यही है, आप दिल्ली नहीं जा सकते वो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप 12 घंटा तैयारी नहीं कर सकते वो आपके कंट्रोल के बाहर है, आपके कंट्रोल में है आप जितना खुद का बेस्ट दे सकते हो आप उतना बेस्ट दो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। ऊपर वाला जो चीज़ें कंट्रोल के बाहर है वो बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रोल के अंदर लेके आता है, आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। तो मैं ऑप्शनल के बारे में सोच भी नहीं रहा था, है ना, मेरे को प्री पे फोकस करना था। तो मैंने जब प्री का एग्जाम खत्म हो गया 26 मई को, तब 27 मई को मैं आके, मतलब क्योंकि तैयारी कुछ की नहीं थी तो मेंस की तैयारी मैंने 27 से शुरू कर दी, और सबसे पहला मेरा टास्क यही था कि मैं ऑप्शनल फाइनलाइज करूँ। अब देखो इंजीनियरिंग मैंने पढ़ रखी थी, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, और 3 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो हैं यूपीएससी अलाउ करती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांचेस मेरी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, बट 4 साल इंजीनियरिंग करके मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था कि 4 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है, और अगर 4 महीने में तैयारी हो सकती है तो मैं खाली ऑप्शनल की तैयारी कर पाऊंगा, मैं जनरल स्टडी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पहले ही सोच लिया था यार इंजीनियरिंग नहीं लेनी है। दूसरा था सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, है ना, तो मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी उठाया, मैंने 20 दिन 15-20 दिन मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, और 20 दिन में मैं एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैंने बोला यार ज्योग्राफी अपने पल्ले के बाहर है, मैंने ज्योग्राफी छोड़ दिया। फिर मैंने पबैट उठाया, मैंने पबैट 20-25 दिन पढ़ा, ठीक है, वो भी यार थिंकरिंग कर क्या बोल रहे थे कुछ समझा नहीं, मैंने बोला यार पबैट भी अपने पल्ले के बाहर है वो भी छोड़ दो। फिर मैंने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री पढ़ा, वो अकबर एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री खोलने से पहले मेरे को नींद आ जाती थी, ठीक है, इतना मुझे बोर लगता था। तो मैंने 15-20 दिन मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी, यार मुश्किल है, ठीक है। तब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, मेरा ऑप्शनल भी फाइनल नहीं हुआ था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, अब पास तो हो गया था, अभी एप्ली फॉर्म भरना था और अभी तक मेरा ऑप्शनल फाइनल नहीं था। तो ऐसे में एक दिन अचानक के मैं भैया हैं चीन में, भैया उनके पास जाके बैठा, भैया को बोला अरे भैया मैं तो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ यार, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो भैया ने बोला देख तू 3-4 पढ़ चुका है, एक काम कर पोल साइंस भी पढ़ ले, ठीक है। तो मैंने 15-20 दिन पोल साइंस पढ़ा, अब वो चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी मेरे पल्ले में पढ़ने लगी क्योंकि उन्होंने मेरे को नोट्स दिए थे, ठीक है, तो वो थोड़ा समझने के लिए ईजी था। तो मैं थोड़ी थोड़ी समझने लगी, मैंने उसकी तैयारी करना शुरू किया,
और लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ था कि मेरे को पोल साइंस लेना है, और लेकिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट आ चुका था, ठीक है, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट डेट था। तो मैं बोला यार अब तो फॉर्म भर देना चाहिए, इट इज़ वेरी हाई टाइम, ठीक है। तो मैं बैठा कंप्यूटर के सामने और मैं सारे बुक साथ में लेके बैठा था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैड, पोल साइंस, सब सामने लेके बैठा था और सोच रहा था ऑप्शनल कौन सा डालना है, ठीक है। और मैंने उस मोमेंट पे डिसाइड किया कि पोल साइंस मेरा ऑप्शनल है, क्योंकि बाकी तीन सब्जेक्ट को मैं छोड़ चुका था, ठीक है। पोल साइंस ऐसा था जो मैंने नया उठाया था, ठीक है। मैंने बोला बाकी सबको छोड़ो, पोल साइंस डाल दो। और पोल साइंस जब मैंने डाला ना और क्लिक करके जब एंटर किया, उसके बाद मैं चैन के सांस लेके बोला यार अब तो मैंने डाल दिया, अब तो चेंज ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऐसे करके मेरा पोल साइंस फाइनलाइज हुआ। अब कोई भी सब्जेक्ट, अभी ज्योग्राफी लेके भी लोग पास हुए हैं, हिस्ट्री लेके भी लोग पास हुए हैं, सब सब्जेक्ट लेके पास हुए, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपको ऐसा सिखाते हैं ना कि आपको साल साल भर तैयारी करनी पड़ती है ऐसे, ठीक है, वो डराने का काम करते हैं। अगर आपने, मैं एक टाइम टेबल का एक इशू रहेगा मेरा बताने का, टाइम टेबल कैसे मैनेज किया मैंने। पहले ब्रॉड एक प्लानिंग की थी, जब मैंने जनवरी में तैयारी शुरू की थी, मई तक का एग्जाम था, तो मैंने पहले सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया कि क्वेश्चन पेपर की स्टडी की थी। मैंने देखा कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एनवायरनमेंट के आते हैं, पॉलिटी के आते हैं, ऐसे 5-6 सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन किए, और मैंने पहले टारगेट सेट किया कि यार देखो पूरा तैयारी तो होने वाला नहीं है 4 महीने में, ठीक है। तो मैं 100 की जगह में 80 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस छोड़ ही दूंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चंस में क्या क्या डालना है, मैंने बोला एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ने नहीं वाला, नींद आती है, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ने नहीं वाला, ये छोड़ दिया, मैंने बोला कल्चर में पढ़ने नहीं वाला, 7-8 क्वेश्चंस मैंने बोला छोड़ दिया, बाकी 13 को मैंने बफर रखा था। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था, पहली बात तो मैं ऑनेस्ट अटेम्प्ट करता था सारी चीज़ें पढ़ने का, ठीक है। अगर मुझसे कोई चीज़ ऐसी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है ना, तो मैं बोलता था यार छोड़ ये मेरे 13 क्वेश्चंस का पार्ट है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके हर टॉपिक में छोड़ देना, नहीं तो 20 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे करके मैंने थोड़ा बफर रखा था कि यार थोड़ा मार्जिन रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने जो मेरे सब्जेक्ट्स उनको प्रायोरिटाइज किया, जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है उनको पहले किया ही नहीं। एग्जाम के 10-15 दिन पहले मैंने इंटरनेट पे जाके बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में, अकबर के बारे में, मुगल के बारे में, मतलब ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, मैंने इनके बारे में स्टडी कर लिया। अब क्या होता है जब तुम एग्ज़ाम में बैठते हो, जब तुमको एक क्वेश्चन नहीं आता, अगर तुमने पूरी तैयारी करके गए होते ना तो तुमको एक टेंशन रहता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तुम पूरी तैयारी करके नहीं गए होते हो तब तुमको एक कॉन्फिडेंस होता है यार छोड़िए तो मैं सोच के आया था नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे करके तैयारी की, जब GS का पेपर सॉल्व कर रहा था एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते, तो जो लोग पूरा पढ़ाई करके जाते हैं उनको एक प्रेशर होता है हमेशा। मैं हमेशा बोलता था दो लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं होता, एक जो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, एक जो कुछ भी पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, एग्जाम में जो सब कुछ पढ़ के जाता है उसको बहुत जल्दी प्रेशर आ जाता है, ठीक है। आप थोड़ा कम पढ़ के रखोगे ना तो आपके एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो समझ गए, यू गॉट माई पॉइंट, है ना। तो ऐसे में क्या होता है जब आपका पूरा एक पेपर UPSC क्वेश्चन है तो कि अंदर आप लॉजिक लगाओगे ना अगर तो आपको आंसर्स आ जाते। एग्जाम में मैंने जितना करना था फर्स्ट रीडिंग में करके मेरा हो गया, उसके बाद में बैठा लॉजिक लगाने के लिए कि यार देख ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और मैंने अंदर कुछ 86 या 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, और मुझे 120 आए, तो आई थिंक मैंने जो एक गैम्बल खेला था इट पेड ऑफ। तो आप सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मैं बोलता हूँ एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड नथिंग इज़ मैंडेटरी। आप पढ़ोगे तो सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे कोई एक सेक्शन तो ज़रूरी नहीं आप फेल हो जाओगे। एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड नथिंग इज़ मैंडेटरी। तो आपको अगर कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद को बोलो यार ये क्वेश्चन को अभी रहने दे, अगर मेरा एंड तक नहीं हुआ तो इसको मैं 20 वाली कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को छोड़ दें। तो मैंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया था जिसके अंदर मैंने बोला ये सब्जेक्ट्स मैं करने वाला हूँ, ये सब्जेक्ट्स मैं नहीं करने वाला, और मैं उसके बाद हर वीकली प्लानिंग करता था, है ना, कि जैसे मैंने बोला इस वीक में मेरे को इकोनॉमी के इतने टॉपिक्स करने हैं, मेरे को एनवायरनमेंट के इतने टॉपिक्स करने हैं। अगर मेरा उस वीक में नहीं हो पाया, कई बार क्या होता है टाइम टेबल अपना फॉलो नहीं हो पाता, ठीक है, बुखार आ गया, मम्मी ने घर से फ़ोन करके बुला लिया, बहन की शादी पड़ गई, भाई की शादी पड़ गई, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, तो मैं वीकली प्लानिंग करता था। अगर इस वीक में कुछ चीज़ें कम पड़ गई तो मैं उसको, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एडजस्ट कर पाता था। अगर आप पूरा एक प्लान बना के रखोगे ना, एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, दिस वर्ल्ड इज़ टू अनसर्टन टू बी परफेक्ट, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गए तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाओगे। अगर आपका प्लान एकदम परफेक्ट होगा कट टू कट, तो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है एक बीच की वो गायब हो जाएगी। तो आपका काम क्या है कि आप एक परफेक्ट प्लान बनाओ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए,
और उसके अंदर एक वीकली फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि अगर इस वीक में कम हुआ तो अगले वीक में ज़्यादा करना है, इस वीक में ज़्यादा हो गया तो अगले वीक में एक मूवी भी देखने चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की मैंने टाइम प्लानिंग की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स टू यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू। यू हैव मोटिवेटेड ऑल ऑफ अस हियर। सर, माय क्वेश्चन इज, यू सेड अबाउट द प्लानिंग, टाइम प्लानिंग, बट हाउ शुड वी टैकल व्हेन वी प्लान समथिंग बट वी आर नॉट एबल टू इंप्लीमेंट इट? एंड मींस समटाइम्स हैपेंस दैट we plan very well but we are not able to implement it really well, and we means we some points are 7 baje brush karna hai, 7:30 baje brush karte hain, 8 baje nashta karte hain, 9 baje to ek clockwork hota hai na, time table follow karte hain, that is good, theek hai, I am not one of them, theek hai। dusre log hote hain jise time table follow nahi ho pata, jaise aapne bola koi to reason aa jata hai, time table follow nahi ho pata, jise time table follow nahi ho pata usme do type ke log hote hain, theek hai। एक होते हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, अरे यार आज हिस्ट्री का एक चैप्टर रह गया, कल मेरा इकोनॉमी का एक रह जाएगा, परसों मेरा ज्योग्राफी का एक रह जाएगा, ऐसे ऐसे करके मेरा एक सब्जेक्ट रह जाएगा, मेरा एक सब्जेक्ट रह जाएगा तो मेरा 10 questions रह जाएंगे, मेरे 10 questions रह जाएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा यार, मेरा पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। जो एक चैप्टर आपका मिस होता है उससे आप प्रेशर में आके आपका पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा ऐसा सोचने लगते हो। दूसरे टाइप का एक बंदा होता है, वो बोलता है यार आज एक मिस हो गया ना, कल सुबह नया टाइम टेबल बनाएगा, मेरे पास टाइम इतना बचा है, मेरे पास सब्जेक्ट इतना बचा है, मेरे को इतने दिन में खत्म करने का है, टेंशन नहीं, ठीक है। आपका एटीट्यूड मैटर करता है। मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता था तो शुरू शुरू में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं करता था, मैं एक नोटबुक बना के रखता था, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखता था कि मेरे को आर्टिकल 72 क्या है पता नहीं, मुझे इलेक्शन क्या होता है पता नहीं, ऐसे मैं एक लिस्ट बना के रखता था। सपोज़ न्यूज़पेपर में आपको 10 चीज़ें मिल गई जो आपको पता नहीं है, फिर बाद में मैं इंटरनेट पर बैठ के सर्च वर्च करता था, तो मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, 3-4 करने के बाद बोर होने लगता था, ठीक है, 3-4 किया बहुत ज़्यादा, 5 किया, 5 बैकलॉग रह गया, अरे ठीक है। दूसरे दिन कभी कभी मैं ज़्यादा भी कर लेता था तो वो जो बैकलॉग होता था वो क्लियर हो जाता था, ठीक है। तो मैंने बैकलॉग क्लियर करने का ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है, और जब मैं कर पाया मैं कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रीजन्स की वजह से आप बैकलॉग क्लियर ही नहीं कर पाते, एक हफ्ते के लिए आपको घर पर मम्मी ने बुला लिया, आपका बैकलॉग इतना बन गया कि आप क्लियर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टेज पर क्या करता था, सपोज लिस्ट बहुत लंबी हो गई, ठीक है, टेंशन तो आने ही लगता है भाई, किसी को भी टेंशन आएगा, है ना, तो मैं उस दिन क्या करता था, मैं उसके नीचे एक लाइन बनाता था और बोलता था आज से नया लिस्ट चालू करेंगे। आप खुद को मेंटली कैसे बैलेंस रखते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रेशर में आ जाते हो या बोलते हो छोड़ नया चालू करते हैं। मुझसे अभी लोग बोलते हैं कि यार 3-4 महीने का मैंने पेपर नहीं पढ़ा, क्या करना है, ठीक है, आप नया बैकलॉग बना के लो, अभी जो हो रहा है ना आप उसको प्रायोरिटाइज करो, ठीक है, आपको अभी जो करना है आप उसको प्रायोरिटाइज करो, इसके बाद अगर टाइम बचता है तो बैकलॉग क्लियर करते बैठो, क्या दिक्कत है कि नहीं। लेकिन आप नया बैकलॉग मत बनने दो, और बैकलॉग बनता है तो देखो हमको एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए उसको क्लियर करने का। लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर चीज़ें क्लियर नहीं होनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के कुछ कर बैठो, उसको बोलो कोई बात नहीं मुझसे क्लियर नहीं हो रहा है, जाने दो इसको, आज से नया अटेम्प्ट चालू करेंगे, ठीक है। तो एक नया स्टार्टिंग बहुत जरूरी होता है। और दूसरा, अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में एक बहुत नेगेटिव एटमोसफियर है, तो मैं यहाँ पर वापस से बोलूँगा लोग बहुत क्लियर कम क्लियर होते हैं। जो लोग प्रीलिम क्लियर नहीं होते ना, वो प्रीलिम के बारे में बहुत डराते हैं कि यार ऐसा नहीं करेगा तो प्रीलिम क्लियर नहीं होगा। अब प्रीलिम फिर भी 16,000 लोग क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जो लोग मेंस क्लियर नहीं होते ना, वो मेंस के बारे में बहुत डराते हैं, यार प्रीलिम तो इजी है, ठीक है, प्रीलिम क्लियर हो जाओगे, लेकिन मेंस के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो लोग मेंस के लिए डराते हैं। जो लोग मेंस भी क्लियर हो जाते हैं ना इजीली, वो मेंस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे यार इंटरव्यू में ना वाट लग जाती है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, इसलिए इंटरव्यू का एटमॉस्फेयर ही बहुत लोग कम लोग को पता होता है। बाहर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना कि वहाँ पे सीढ़ियाँ कितनी हैं, कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, है कि नहीं। यूपीएससी हॉल में जाओगे आपको पूछेंगे कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, ठीक है। एक खुलासा करता हूँ, वहाँ पे सीढ़ियाँ ही नहीं है, ठीक है, आप एंटर हो गए तो जैसे ये एक स्टेप है ना, ऐसा स्टेप करके हॉल शुरू होता है, सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। तो जिन लोगों ने कभी हॉल नहीं देखा वो आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो अब मेरे साथ नीरव भैया थे, हमारे चाणक्य वाले फैकल्टी थे, जिन्होंने काफ़ी ये सब पहले से एक्सपीरियंस ले रखा था, तो क्लासेस का सीनियर्स का ये इंपॉर्टेंस होता है कि वो आपको जो अच्छे लोग होते हैं आप उनसे बात करोगे ना तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करते, वो आपको बोलेंगे नहीं यार हो जाता है। मैं इंटरव्यू का हम लोग जब तैयारी करने बैठे थे, मेरे को अभी भी याद है, मैं भैया को पूछता था भैया भैया क्या पूछेंगे भैया कैसे करूँगा भैया, और भैया बोलते थे अरे चिल मत हो जाएगा हो जाएगा। तो जब इंटरव्यू के अंदर गए तो मेरा पैनल पता होता है, मैं अंदर गया, मेरे को पहला क्वेश्चन था कि पोएम, मैं पोएम लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि आप पोएम्स लिखते हो आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है।
तो आप कोई भी स्किल्स अगर आपकी है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को एक साल पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं एक साल पूरी तैयारी करूंगा, ठीक है, तो आपको बाकी 3 लाख लोग जैसा बना देता है। यूपीएससी आपको अलग कैसा है ये देखना चाहती है, ठीक है। तो मैंने मेरी सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा था, मैं पोएम्स रेगुलरली लिखता रहता था, मैंने जम्मू एंड कश्मीर का एक, हम लोग चाणक्य के थ्रू हमारा भारत दौरा होता है हर साल, तो भैया नॉर्थ ईस्ट जाके आए थे हम, मैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर गए थे, तो उसके बाद में हमारी एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। फिर मैंने मेरी खुद की एक वेबसाइट चालू की है indianstory.in, मुझे लोग बड़बड़ करने नहीं देते थे, है ना, तो मैंने बोला मैं ऑनलाइन बड़बड़ करूंगा, तो मैंने एक वेबसाइट चालू की, वहाँ पे मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद मैं मेलघाट टाइगर रिजर्व में हम लोग गए थे, मेलघाट टाइगर रिजर्व में एक हफ्ता रहकर हम वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर लोग से बात करके आए थे। मुंबई में एक NGO है, हेल्प आवर पीपल फॉर एजुकेशन, मैं उनके साथ काम करके गाँव में जाके एजुकेट करके आया हूँ, ऐसे लेक्चर्स वगैरह लेके आया हूँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने जारी रखी थी। तो ये फ़ायदा होता है, ये आपको अंदर अलग बनाती है। मैं आपको बताता हूँ मेरे को कैसे फ़ायदा हुआ। तो पहला उन्होंने पूछा कि आप पोएम्स लिखते हो, आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो। दूसरा क्वेश्चन था आप कौन सी थीम्स पे लिखते हो, तो मैंने बोला मैं रोमांटिक पे लिखता हूँ, रिसेंटली मैंने सोशल इशूज़ पे लिखना चालू किया। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप एक पोएम सुनाओ, ठीक है, तो मैंने एक लिखी थी, जिसके कारण रात गुजारी परिवार ने बिना सोकर, बच्चों ने भी सहा दर्द को जोर जोर से रोकर, जिसका शहर में इलाज कराया हजारों रुपए खोकर, रोक सकते थे उस बीमारी को सिर्फ साबुन से हाथ धोकर। तो जब अभी ये जो है ना, ये आपके एक, ठीक है, ये मूड को लाइटन कर देता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड पे, यानी मैंने बाइसिकल रिपेयरिंग वगैरह लिखी थी, उसके अंदर शॉप वगैरह है ऐसे, तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पे थोड़े क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन था कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, तो मैंने उसके बारे में बताया, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, ऐसे 3-4 चीज़ें बताई। तो उन्होंने पूछा तुम में है क्या, अब वहाँ ना कौन बोले, है, ठीक है। तो उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया था, जो मेलघाट का दौरा किया था, जो खुद की एक वेबसाइट चालू की थी, है ना, जो मैंने चीज़ें बाकी सब लोग ने नहीं की थी, वो मैंने जो किया था, मैंने वो सब कुछ वहाँ बता दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको, उनको ऐसा लगने लगता है कि आप अलग हो, ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चंस हुए, ठीक है, और वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने खुद किया था ना, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इलेक्शंस हुए, अब मैं बताता हूँ फंस भी जाते हो आप, ठीक है। उस समय मेरा 15th मई को इंटरव्यू हुआ था और 16th मई को लोकसभा के रिजल्ट्स थे। तो उनका क्वेश्चन था कि इलेक्शंस हुए आपने वोट किया क्या, मैंने वोट नहीं किया था। तो मैंने बोला मैंने नहीं किया। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं किया, मैंने बोला मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था। तो उनका पूछ एक प्रोसीजर, उन्होंने बोला एक प्रोसीजर होता है फॉलो करने का, अगर आपने फॉलो किया होता आपका नाम आ जाता, आपने क्यों फॉलो नहीं किया। तो मैंने बोला सर एक्चुअली मैंने फॉलो किया था, लेकिन वो पुणे में 1 लाख लोगों के टोटल नाम जो है वो लिस्ट से मिसिंग थे, तो उसमें मेरा भी नाम था। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुणे नहीं है, ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पालघर है, मेरे गाँव में। ये चीज़ उन्होंने पकड़ी नहीं, अगर पकड़ लिया होता ना, ठीक है। सो ये हो गया, कहीं कहीं आप फंस भी जाते हो। एक क्वेश्चन था कि टैलेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर पैनल जो डेफिनेशंस मानता है, डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। हमको इंजीनियरिंग में हमेशा बोलते हैं ना एम्पियर का डेफिनेशन दे देते थे, इतना सिंपल होता था, है ना, क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर है, ठीक है। तो हमको कभी डेफिनेशंस का ये नहीं समझा, अभी मैं बताता हूँ डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उनका क्वेश्चन था कि टैलेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। टैलेंट का डेफिनेशन होता है समथिंग विच यू आर बॉर्न विथ, स्किल का डेफिनेशन होता है समथिंग विच यू एक्वायर, ठीक है। टैलेंट इज समथिंग यू आर बॉर्न विथ, स्किल इज समथिंग विच यू वर्क, जैसे इंजीनियरिंग अपनी स्किल है, ठीक है। अब मेरा डेफिनेशन ऐसा क्लियर था, सेपरेट था, जो पैनल है वो टैलेंट और स्किल के डेफिनेशन को क्लब कर चुका था, ठीक है, उसने बोला स्किल और टैलेंट इज नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो शुरू में एक मिसकम्युनिकेशन था। तो जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला टैलेंट क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम बॉर्न हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने बोला दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैंने बोला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, ठीक है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग चीज़ है। अब यहाँ पे मुझे समझ गया कि उनका टैलेंट और स्किल को वो कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन आप पैनल को ये नहीं बोल सकते कि आपकी डेफिनेशन गलत है ना, नहीं तो आप तो पहले ही बाहर हो जाओगे। अब मैं फंस गया, अब मैं बोला अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर उधर घूम रहा था, मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी पैनल में, एंड शी अंडरस्टूड, आई थिंक लेडीज इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है, शी अंडरस्टूड, ठीक है, शी अंडरस्टूड। सो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल, एंड आई फाउंड माय वे आउट,
ठीक है, मैंने बोला सर मैम टैलेंट ये होता है, स्किल ये होता है, तो मैम ने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि नो 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 वी आर नॉट कंसिडरिंग इट डिफरेंट, इट इज सेम, ठीक है, तो मैंने बोला इन दैट केस आई लाइक टू चेंज माई आंसर, ठीक है। सो इंटरव्यू में भी अंदर जाने के बाद आपको आंसर चेंज करने का स्कोप होता है, मिस्टेक्स करने का स्कोप होता है, अंदर वाले हेल्प करते हैं, तो बाहर जो इतना डर बना के रखा है ना, एक्चुअली ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस टुडे, मोर ओवर पीयर फैक्टर निकालने के लिए। थैंक यू सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फाइनल ईयर प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे 2015 अटेम्प्ट देना है, मेरा 2014-15 फाइनल ईयर इंजीनियरिंग भी साथ में चलते रहेगा, तो सर काफ़ी बार मन में डर आता है कि किसको इम्पोर्टेंस देना है, कभी कभी सोचता हूँ कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए जॉब, फिर सोचा नहीं हटा दो जॉब नहीं करना है, सो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि दोनों मैनेज करना किस लेवल पे पॉसिबल है, या जैसे सारे बोल रहे हैं बाहर एटमोसफियर है कि एक साल मे बी तुम रुको प्रिपेयर करो और फिर अटेम्प्ट दो, क्योंकि दिल्ली में मुझे वाजीराम रवि में भी यही बोला एक फैकल्टी मेंबर ने, रुको अटेम्प्ट वेस्ट मत करो, सर आपका क्या कहना है? सी आप 6 साल रुकने को प्लान कर रहे हो क्या यूपीएससी के बाद, ये अपने इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी के लिए? नहीं सर ना, तो आप अटेम्प्ट दे देना 2015 का, नहीं 2015 का देना है, लेट मी आंसर मोर क्वेश्चंस, ठीक है 2015 का अटेम्प्ट देना ही है, ठीक है। दूसरा, साथ में प्रिपरेशन हो सकता है क्या? अगर मैं आपको बोल दूं साथ में प्रिपरेशन नहीं हो सकता तो आप इंजीनियरिंग छोड़ दोगे? नहीं। आप 2015 का अटेम्प्ट छोड़ दोगे? नहीं, कोशिश तो पूरी करूंगा, बस वही करना है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, इंजीनियरिंग छोड़ना आपके कंट्रोल में नहीं है, 2015 का अटेम्प्ट देना ही वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पढ़ाई करना आपके कंट्रोल में, पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब पढ़ाई का टाइम कैसे मैनेज करना है, तो आप कौन से कॉलेज में हो? MIT नहीं, COE में, मेन MIT COE। ब्रांच कौन सी है? मैकेनिकल। यार तू मेरे को बात कर रहा है, अटेंडेंस कितनी है तेरी? अटेंडेंस मस्त है सर, पिछले सेम में 75% थी। अच्छा देखो 75% अटेंडेंस है ना, 3 लेक्चर करने का 1 लेक्चर नहीं करने का, 3 दिन आने का 1 दिन नहीं आने का, फाइनल ईयर में 2 दिन ऐसी छुट्टी होगी, ठीक है, 1 दिन प्रोजेक्ट डे के लिए, सैटरडे संडे, 5 डे वीक है कि 6 डे वीक है? 5 डे मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, 1 दिन प्रोजेक्ट के लिए छुट्टी रहेगी, 4 दिन हो गया, 3 दिन आने का 1 दिन नहीं आने का। ओके सर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन कॉलेज आएगा, 4 दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है, सो 4 दिन में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तो जो मैंने 4 महीने में किया आपको करने के लिए 1 साल है, ठीक है। आप जैसे मेरे पास 7 दिन थे, आपके पास 4 दिन रहेंगे हफ्ते में, तो आपको डबल टाइम चाहिए, ठीक है, आपके पास ट्रिपल टाइम है, ठीक है, आपको साथ में इंजीनियरिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, आई एग्री, ठीक है, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए, अभी शायद आप न्यूज़पेपर्स इतना ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे अगर, तो आप मैगजीन्स पर फोकस करिए, ठीक है, चीज़ों को कैसे कंट्रोल में लाना है आपके हाथ में, ठीक है, लाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जैसा वोकैबुलरी इतनी हार्ड होती है कि इट्स बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो जब मैं पेपर पढ़ना चालू किया मैंने, तो आई फाइंड कि एक एक जो हर एक वर्ड होता है वो हर बार नया आर्टिकल में कुछ नया होता है बार बार, सो इस चीज़ को कैसा टैकल किया जाए, क्योंकि UPSC कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड वोकैबुलरी यूज करती है। देखो आप कोई भी एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, आप शुरू में एक ही न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, मैंने जब शुरुआत की थी मैं द हिंदू फॉलो करता था, बैठ जाओ, मैंने बाद में दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, मैं हिंदू और एक्सप्रेस दोनों पढ़ता था, अब मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, बट मैं पढ़ता था। आपने जो बोला वोकैबुलरी का ना, शुरू में मुझे भी इश्यूज होते थे, तो आप अगर देखोगे तो एडिटोरियल में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का है ना, तो उसका जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें जो 3 कॉलम्स लेफ्ट के होते हैं वो एडिटोरियल होते हैं, मतलब वो इंडियन एक्सप्रेस वाले लिखते हैं, बीच में जो है गेस्ट आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, और पूरा न्यूज़पेपर बाकी इंडियन एक्सप्रेस वाले लिखते हैं। हर न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी फिक्स होती है, वो वही वर्ड्स को ना एडिटोरियल में और बाकी न्यूज़पेपर में वही वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो गेस्ट आर्टिकल्स होते हैं ना उसमें वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। तो मैं जब शुरू में करता था तो मैं भी यही करता था, सारे वर्ड्स की मीनिंग देखता था, रोज़ सोचता था 2 वर्ड्स याद करेंगे, 2 वर्ड्स 2 दिन याद रहते थे, 3 दिन वापस भूल जाते थे, है ना, हर बार एक नया प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ये जो रेगुलर लिखते रहते हैं ना, मैं उनके खाली वर्ड्स करूँगा, ठीक है, जैसे सी राजा मोहन है वो रेगुलरली लिखते रहते हैं, सरजीत भला है वो बराबर लिखते रहते हैं, जो एडिटोरियल है वो तो लिखते ही रहते हैं, तो मैं इन सेक्शंस में जो
वर्ड्स आते थे ना, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता था, और ये वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इंडियन एक्सप्रेस वाले को पता है कि गुड को गुड बोलना है तो वो मार्वलस नहीं बोलेगा, हर बार गुड ही बोलेगा, ठीक है, तो आपको जो वर्ड्स है ना वो कंसिस्टेंसी आने लगती है, तो आपको उतने वर्ड्स याद हो जाते हैं, ठीक है, उतने वर्ड्स याद हो जाएंगे, यूपीएससी में अगर आपको 10 में से 4 भी वर्ड समझ में आए ना तो आप पास हो जाओगे, चिंता नहीं है, ठीक है। और दूसरा है, अगर आपके पास समय है अभी तो वो नॉर्मल लिविस की एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, मेरे को किसने रेकमेंड की थी, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने शुरू के 20 पेज पढ़े लेकिन मेरा बाकी टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, इट इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है, मैंने 20 पेज पढ़े लेकिन बाकी टाइम के साथ मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको बोला जाने दे, ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप वो बुक करके देखिए, काफ़ी अच्छी है। मुझे लोग बोलते हैं हमेशा कि सामने जाके जो बोलना होता है ना, स्टेज फियर नहीं है आप में, है ना, वो कैसे आया? मेरे को कभी स्टूडेंट फियर नहीं आया, ठीक है, मतलब जब भी क्लास में कोई डाउट्स होता था ना, लोग मुझे ओवर स्मार्ट बोलते थे, लोग मुझे कुछ भी बोलते थे, मैं खड़े होकर पूछ लेता था, ठीक है, टीचर का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं फिक्र नहीं करता था। खाली एक क्या है, एक आपको कभी कभी लगने लगता है टीचर को नहीं आता, नो, मैं टीचर को इंसल्ट नहीं करता था, ठीक है, जब टीचर को मुझे लगता था टीचर को नहीं आता तो मैं पूछना बंद कर देता था, लेकिन मेरे को कभी स्टूडेंट फियर नहीं आया। आप जब स्टेज के नीचे बोलने से नहीं डरते ना, तो आप स्टेज के ऊपर बोलने से भी नहीं डरोगे। अगर आप पूछने से डरते हो आज, तो आप कल बोलने से डरोगे, ठीक है। सो अगर आपके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्लासरूम में कहीं पे बैठे हो तो उसको पूछना सीखो। आप एक बार पूछना शुरू करोगे तब आपको बोलना शुरू कर पाओगे। सर क्वेश्चन असा है की आता मी लास्ट इयर इंजिनिअरिंगला आहे, तर बरेच जण सांगता हे कर ते कर, तर कोणत्या गोष्टींना आता सुरुवात करताना प्रेफर केलं पाहिजे? कोणत्या गोष्टींना मी प्रेफर केलं पाहिजे? क्वेश्चन्स नाही, की म्हणजे बरेच जण सांगता एनसीईआरटी प्रेफर कर, अच्छा, देन काही सांगता की अरे न्यूज पेपर रिडिंग तुला, म्हणजे देखो एनसीईआरटी बेसिक्स है, ठीक है, तो मैंने जब शुरुआत की थी तब मैंने भी बेसिक्स एनसीईआरटी से किए थे, मैंने फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटी से की हुई है। आपकी बैकग्राउंड है क्या कुछ, इकोनॉमिक्स वगैरह आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो क्या, कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं है, तो आप एनसीईआरटी पहले पढ़ने चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे सेलेक्टेड बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो, जैसे आप मराठी में पेपर देने वाले हो क्या, इंग्लिश में देने वाले हो, ओके, सो इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम सर के नोट्स मिलते हैं, दिल्ली में क्लासेस हैं उनके, श्रीराम सर के नोट्स मिलते हैं, बहुत मस्त है, ठीक है, मतलब उतने बुक्स अच्छे नहीं है, तो आप अगर वो नोट्स मिल पाए आपको तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी अभी जो लोग बोलते हैं लोगों का सुनने का नहीं, मेरा यही है, लोगों का सुनने का नहीं, ठीक है, लोग डराने का काम करते, आप अपना टाइम देखो, आपको प्रोजेक्ट के लिए अगर एक दिन देना है तो प्रोजेक्ट के लिए एक दिन देना है, अगर आपको कॉलेज के लिए 3 दिन देना है तो कॉलेज के लिए 3 दिन देना है, आपके पास 3 दिन बचते, जो चीज़ों को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको पहले काट के हटा दो। 24 घंटे में मेरे को 8 घंटा सोना ही है, 8 घंटा हटा दो 16, मेरे को 4 घंटा कॉलेज जाना ही है, 4 घंटा हटा दो 12, मुझे खाने के लिए नहाने के लिए ये सब के लिए मेरे को 3 घंटा लगता ही है, 3 घंटा हटा दो तो बच गए 9, अब मुझे 9 घंटों को ही मैनेज करना है, बाकी चीज़ को हटा दो दिमाग से। आप जब तैयारी शुरू करोगे तो आप पहले ये देखो कि मैं एक दिन मेरे को प्रोजेक्ट करना ही है, एक दिन मेरे को ये करना ही है, ठीक है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल प्लान बनाओ, क्योंकि मुझे पता है इंजीनियरिंग में आपको कल के दिन उठ के प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ेगा तो क्या करोगे, तो मैंने जैसा बताया वीकली प्लान होता है, ठीक है, तो अगर किसी दिन उठ के जाना होगा तो किसी दिन बैठने का भी टाइम मिलेगा, तो आप इस चाहे तो अगर वीक बहुत लंबा लग रहा है 3 दिन का प्लानिंग करो, 2 दिन का प्लानिंग करो, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्लान करो, एक शॉर्ट टर्म प्लान करो, शॉर्ट टर्म प्लान को अपन चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनसीईआरटी आपने बोला आप शुरुआत कर सकते हैं, मैंने इकोनॉमी का जो बताया वो शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि इकोनॉमी करना है, एनवायरनमेंट करना है, पॉलिटी करना है, ये सब्जेक्ट्स पहले करके ले लो, बाकी ऊपर वाले को पूछो, थैंक यू, हो जाता है। जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो उन सब्जेक्ट का स्टडी हमें कैसे करना चाहिए, मतलब 3 दिन के लिए एक सब्जेक्ट या दिन भर के लिए कुछ घंटों के लिए एक सब्जेक्ट, मतलब वो समझ में नहीं आता। ठीक है, मैंने अपना प्लान बहुत फ्लेक्सिबल रखा था, मैं कैसे तैयारी करता था, मैं दिन का फिक्स नहीं किया था, मेरे को जब मूड होता था मैं इकोनॉमी उठाता था, मेरे को जब मूड होता था तब मैं एनवायरनमेंट उठाता था, मैंने आवर्स की प्लानिंग करके रखी थी कि मेरे पास एनवायरनमेंट के लिए 80 आवर्स है, ठीक है, और वो अपने स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं ना कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मैं उसका यूज़ करता था, 2 घंटा अगर इकोनॉमी पढ़ लिया तो 2 डंडे मार दिए, ठीक है, हो गया, तो मैं 80 आवर्स का प्लानिंग था, जब मैं उठाता था तब मैं 80 आवर्स मेरे पास टाइम है मुझे पता था, तो मैं फ्लेक्सिबल टाइम रखा था, ठीक है। बाकी GS4 की तैयारी कैसे करनी अगर आप बोलो तो GS की तैयारी कैसे करनी अगर आप बोलो तो जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है ना उससे ज़्यादा अलग मेंस की तैयारी नहीं होती। आप जब नोट्स निकालते रहते हो तो नोट्स का प्रीलिम में जितना हेल्प होगा, मैंने जो भी नोट्स मेकिंग के फायदे बताए उसमें से खाली रिविजन छोड़ दो तो बाकी 3 फायदे जो है मेंस के लिए, आपका ग्रामर इंप्रूव होता है, आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होती है, आपका क्या चीज़ लिखना ये समझ में आता है, ये मेंस के लिए था, तो नोट्स मेकिंग आप जारी रखो तो आपकी वो तैयारी होती रहती है। बाकी जैसे GS4 एक सब्जेक्ट है
है ना, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वगैरह. मैंने उसके लिए अभी हमारे टाइम पे तो नया सब्जेक्ट था, हमको कहाँ से पढ़ना है मुझे पता नहीं था, अभी भी कहाँ से पढ़ना है मुझे पता नहीं है. ठीक है, मैंने सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की फोर्थ रिपोर्ट, ये एथिक्स इन गवर्नेंस पे, मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है. फिर हर एक टर्म जो सिलेबस में एप्टीट्यूड इंटेग्रिटी ऐसे जो हर एक टर्म दिया हुआ है, मैंने हर एक टर्म को इंटरनेट पे जाके पढ़ा था. फिर उसके बाद अब मैंने उस समय ये नहीं किया, लेकिन बाद में पढ़ते समय मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, आप कुछ सिविल सर्वेंट्स की ना ऑटोबायोग्राफी उठा के देख सकते हो. जैसे एक बताता हूँ, बुलेट फॉर बुलेट बाय जूलियो रिवेरो, ठीक है. इसके बाद इनसाइड द स्टील फ्रेम बाय नितिश सेन गुप्ता, इसमें क्या किया उन्होंने, रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे डील किया है उसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है. तो आपको क्या केस स्टडीज वही आती है ना कि ये प्रॉब्लम है आप कैसे करोगे, ठीक है. तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत लिंक लगने लगता है. तो आप ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बहुत सारी बुक्स पढ़ना, 3-4 बुक्स सेलेक्ट करके अच्छी आप दो पढ़ो, बुक्स के नोट्स निकालने चाहिए, ठीक है. मैं बुक रिव्यूज जब लिखता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं वो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगी बुक की तो मैं अपने नोटबुक में लिख के रखता हूँ, और बाद में बुक रिव्यू लिखते टाइम मेरे को हेल्प होती है उससे. आप ऐसे कर सकते हैं, बुलेट फॉर बुलेट जो पढ़ रहा है वो जूलियो रिवेरो ने क्या क्या स्टेटमेंट्स बोले हैं जो अच्छे आपको लगते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो, तो आप वो लिख के रखो. कोई दूसरा बुक पढ़ता रहेगा, बाद में नोट शेयर कर लो, दोबारा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आप अपना इस तरह से थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हो. बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मैंने बुक लिस्ट वगैरह, अगर आपको चाहिए तो बुक लिस्ट बहुत लंबी होती है, ठीक है, इतना जल्दी बता के नहीं होगी, ठीक है. या अभी ठीक है, जो नीरज दादा बुक पढ़ते हैं, मैं एक्चुअली उनके पास जाता था, है ना, कि हम लोग भैया क्या है ये ऐसे, है ना, क्या पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा है ना. तो अब नीरज दादा आते ही रहेंगे, आप भी उनके पास जाओ, ठीक है, भैया को थोड़ा परेशान कर दो, भैया अच्छे हैं बुरा नहीं मानते, ठीक है, परेशान कर सकते हो. जब आप अपने रेज्यूमे पे देखते हो, जो ये पोएम मैंने सुनाई ना, ये मैं इंटरव्यू के दौरान नहीं तैयारी की थी, मैं इंटरव्यू के पहले तैयार करके गया था. सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को पोएम राइटिंग पे क्वेश्चन आएगी, ये भैया ने सुनी होगी तो भैया को लगा होगा वरुण सेम पोएम हर जगह सुनाता है, क्योंकि ये मैं इंटरव्यू पे जितने पहले दिए है ना, मैंने हर इंटरव्यू में यही पोएम बोली है ना, क्योंकि समझे ना, अच्छी रहे ना, है ना, तो मुझे पता था अच्छी है, तो इसलिए मैं इंटरव्यू में ये तैयार करके गया था. दूसरा, जैसे बाइसिकल रिपेयरिंग पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तारापुर का हूँ, तारापुर में न्यूक्लियर प्लांट है, मैं उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, उस पर किसी ने पूछा नहीं. बाकी जो इलेक्शंस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था वो पूछे गए, तो डेफिनेटली मैंने तैयारी की थी. उसके बाद मैंने जो ये बताया कि मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ किया था, जम्मू एंड कश्मीर गया था, मेलघाट गया था, तो ये जाने के पीछे का रीज़न ही वही था. मैं बोला अब मेंस दे दिए, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होने वाला है, मेंस के बाहर आया, GS1 निकल के आया, तब मेरे को जैसे डिप्रेशन आ गया था ना, मैं अपने पोल साइंस 2 का पेपर निकल के आया तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस आ गया था, बोला यार अब तो पास हो रहे, ठीक है. और उसके बाद में मैंने वो मेलघाट की चीज़, जम्मू एंड कश्मीर की चीज़, वेबसाइट का, ये सब मैंने उसी पर्सपेक्टिव से किया कि मैं अपने आपको अलग कैसे बताऊँगा अंदर, मैं अलग हूँ. मैं अभी जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन होता था, तो अभी उसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं, तो जब डिस्कशन तो हम करते ही थे, मैं साथ साथ ये सोचता था मेरे को ये बताना, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो ये इश्यूज है. यानी आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो भी इसमें ये इश्यूज है. इंजीनियरिंग आप कैसे यूज़ करते हो, ये क्वेश्चन मैं बताने ही भूल गया. उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि जैसे जो हिस्ट्री पढ़ता है, जो सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको सोशल इश्यूज पता होते हैं, है ना, तो वो बंदा ज़्यादा सूटेबल है ना सिविल सर्विस करने के लिए, इंजीनियर को क्यों सेलेक्ट करना है कि नहीं, ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे को पूछा था. तो मैंने उनको बोला था, सर देखो आजकल ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं, ये भी मैंने आंसर पहले प्रिपेयर करके रखा था, ठीक है, ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहा है, मैं इंटरनेट कैसे काम करता मैं जानता हूँ, नेटवर्क्स में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं मैं जानता हूँ, डेटा को सिक्योर कैसे रखना है मैं जानता हूँ, ठीक है. तो अगर वो कम्युनिटी समझते हैं तो मैं टेक्नोलॉजी समझता हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी यूज़, सबके अपने अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं, मेरे कुछ माइनसेस हैं तो मेरे ये प्लसेस हैं, सो आई थिंक देयर इज़ नो इशू, ठीक है. एग्जैक्ट इस वर्ड्स में नहीं बताया था, सो आई थिंक देयर इज़ नो इशू ऐसा रूट लगता है, ठीक है. तो एग्जैक्टली मैंने ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए थे, बट यू गॉट माई पॉइंट. तो ये आंसर मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था, तो डेफिनेटली मैंने प्रिपेयर किया था मेरे रेज्यूमे के हिसाब से. फॉर द एक्सलेंट लेक्चर दैट यू हैव गिवन.